हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से जियो पेमेंट बैंक ऑनलाइन ही ओपन करना है। जियो पेमेंट बैंक एक अच्छा पेमेंट बैंक ऑप्शन है आपके लिए। यहां पर इसमें कोई भी आपको मेंटेनेंस चार्ज, हिडन चार्ज, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। एक और अच्छी बात, जहाँ पर आपका ये अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता है। तो आज की इस वीडियो में कम्प्लीट मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपको कैसे इसको ओपन करना है घर बैठे ऑनलाइन। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहां पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें माई जियो ऐप को यहां पर ओपन कर लेना है। जैसे ही आप माई जियो ऐप को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर 3 लाइन ऊपर दिख रही होंगी, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे स्क्रॉल करते आ जाना है। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जियो पेमेंट बैंक, इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर सेंड मनी पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जहाँ पर नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी कि आपको मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई हिडन चार्ज आपको देना पड़ता है। और यहाँ पर 3.5 इंटरेस्ट रेट है इसका, और सेमलेस पेमेंट आप आसानी से कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका इसमें आपको दिख रहा है। यहाँ पर ऊपर लिखा है ओपन योर सेविंग बैंक अकाउंट ऑनलाइन, ठीक। तो यहाँ पर हमें लेट्स गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है आपको कौन सी सिम से बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट सिम को चूज़ कर लेता हूँ, आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, और उसके बाद प्रोसीड कर दें। यहाँ पर एक मैसेज सेंड होगा वेरिफिकेशन के लिए, सक्सेसफुली वेरीफाई यहाँ पर हो चुका है। और आपको इसमें एम पिन बनाना पड़ता है, तो 4 अंकों का आप एम पिन बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक इंडिया का नया बैंक यहां पर लिखा दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का पेज डिस्प्ले हो जाएगा, वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक। यहां पर आपको लेफ्ट स्टार पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, जहाँ पर आपको इसमें OTP फिल कर देना है। OTP फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेना है और एक्सेप्ट कर देना है। आई सेट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। तो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपके जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर एक OTP भेजा जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर OTP को फिल कर देना है और नीचे यहाँ पर क्रिएट 4-डिजिट शेयर कोड, आपको यहाँ पर 4 अंकों का शेयर कोड बना लेना है। इसके बाद आपको आपकी डिटेल यहाँ पर नीचे दिख जाएगी, जो भी आपकी आधार कार्ड में है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर ईमेल आईडी इस पर फिल कर सकते हैं। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको फाइनेंशियल डिटेल यहां पर फिल करनी पड़ती है। तो यहां पर हम फाइनेंशियल डिटेल को फिल कर देते हैं। पैन कार्ड, मेटेरियल स्टेटस, फादर नेम, मदर नेम, ऑक्यूपेशन, सोर्स ऑफ इनकम, एनुअल इनकम आपको यहां पर फिल करनी पड़ती है। उसके बाद यहां पर टर्म को एक्सेप्ट करके आपको नेक्स्ट कर दें। तो डिटेल फिल कर देने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आ जाने के बाद आपको नॉमिनी की डिटेल फिल करनी पड़ती है। यहां पर अगर आप नॉमिनी का डिटेल चाहें तो भर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नॉमिनी की डिटेल को फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर सारी डिटेल आपकी आ जाती है। आपने जो भी पर्सनल डिटेल, फाइनेंशियल डिटेल आपने फिल करी है, नॉमिनी की डिटेल, वो सारी यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करके आपको आगे का स्टेप बता देता हूँ। उसके बाद आपको वीडियो KYC वेरिफिकेशन करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर यू विल नीड मोबाइल फ़ोन विथ कैमरा, आपका कैमरा अच्छा होना चाहिए। स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपका नेट अच्छा
चलना चाहिए। प्रोफेशनल पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास ओरिजिनल, उसके बाद प्रोफेशनल आधार कार्ड यानी कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड आपका और आपका ओरिजिनल आधार कार्ड आपके हाथों में होना आवश्यक है। उसके बाद आपका कैमरा और यहाँ पर नेट भी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, जिसके बाद आप यहाँ पर वीडियो कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। उसके लिए साथ साथ आपको कीप अ वाइट पेपर एंड ब्लैक पेन रेडी आपको रखना है, आपको साइन करने के लिए आपको चाहिए होते हैं। यू विल बी आस्क्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन देते हैं तो आपको नेट बैंकिंग के लिए काम आएगा। तो स्टार्ट कॉल विद द एजेंट आप यहां पर क्लिक करके कर सकते हैं, मैं यहां पर अभी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जिसका ओपन कर रहा हूं वो यहां पर नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।